हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो हमारी होने वाली है वो है किसी भी बाइक, चाहे कोई सी भी कंपनी की बाइक हो, उसके जो फ्रंट शॉकर होते हैं तो जब वो लीक हो जाते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में मैं अपना शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या कि मैं कोई ये नहीं है, खाली एक चीज़ बता रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस जो है इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जैसे कि बता दूं कि कभी कभार क्या होता है कि जब हमारी बाइक जब हम न्यू लेकर के आते हैं और वो काफ़ी दिन जब हम चला लेते हैं उसको, तो फ्रंट शॉकर जो है उसकी सील वगैरह लीक कर जाती है। तो सील जो है कई तरह से लीक करती है, उसका भी रीज़न होता है। एक तो या तो सील ही कट जाती है तब शॉकर लीक करना शुरू कर देते हैं, मोबिल ऑयल बाहर आने लगता है, या फिर उसमें जो रोड होती है, जो रोड चलती है इसके अंदर, शॉकर के अंदर जो रोड चलती है, रोड पर अगर कोई निशान या स्क्रैच उस पर लग जाता है तो उसकी वजह से भी मोबिल ऑयल बाहर आने लगता है। तो इसी तरह से कई रीज़न होते हैं इसके। तो कभी कभार शोकर बैंड भी कर जाता है, मान लीजिए कहीं बाइक ठुक गई है, कहीं वो हो गई है, तो शोकर बैंड कर जाता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो सील जो है उससे जब वो बैंड हो जाता है तो सील फिर सही नहीं चल पाती, जिससे कि वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही मैं एक वो बताऊंगा, मेरी बाइक में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बस क्या हुआ कि शोकर लीक कर गया था। तो जब लीक, एक ही शोकर लीक किया था, दोनों नहीं किए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे कि सब नॉर्मली लोग रिपेयर कराते ही हैं शोकर को, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं इसको रिपेयर करा लूँ। तो वो दोनों शोकर के लिए जब मैं गया मैकेनिक के पास, तो उसने बोला कि दोनों शोकर ही इसके करा लो रिपेयर। तो मैंने दोनों शोकर ही उसको कह दिया। तो उन्होंने खोल करके उसको निकाला सब, मोबिल ऑयल वगैरह। तो मेरी रोड वोड में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन पता नहीं जब वो रिपेयरिंग कर रहे थे तो जो एक तो जो शॉकर की रोड को दबाने वाला, जब ये दबा करके अपने एक मशीन होती है इनकी, वो जो दबाने वाला एक वो होता है उसमें दबा करके उसको खोलते हैं ये, तो उसमें रोड पे निशान आ गई। अब ये रोड पे निशान मतलब मुझे तो नहीं पता था, लेकिन या तो वो जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं पता नहीं। तो अब उन्होंने जो है एक निशान उसमें ऐसे लगा जैसे कि कोई स्क्रैच टाइप का छोटा सा गड्ढा उसमें लगा दिया, और जब वो सील की जगह पर गड्ढा चलता है तो वो मोबिल ऑयल लीक करेगा। तो अब मैंने, इन्होंने क्या किया कि शोकर तो रिपेयर करके और मुझे दिखाया फिर कि ये आपकी रोड कुछ खराब हो गई है, इसमें निशान आ गया, ये रोड ही बदलनी पड़ेगी, अभी तो फिलहाल मैं इसमें जुगाड़ कर दे रहा हूँ और ये रोड बदलनी पड़ेगी। तो उसे उन्होंने जो गड्ढा था हल्का सा उसमें ठोक करके उसे कर दिया प्लेन। तो जब क्या मुझे नहीं लगता कि वो खोली थी तो ऐसा था, क्योंकि अंदर जब उसमें रोड चल रही है तो उसमें ऐसे स्क्रैच कैसे लग जाएगा, किसी लोहे के अंदर तो चल नहीं रही है, वो ऐसा स्क्रैच था जैसे किसी चीज़ से दबके लगा हुआ है। तो वो मुझे लगा कि ये इन्होंने खुद से किया है। तो ये फ्रॉड मैं बता रहा हूँ, एक तरीके का फ्रॉड भी है ये। तो वो ज़बरदस्ती मेरी रोड को ख़राब करने की कोशिश थी कि अगली बार में इसको चेंज करा लेना, ये चल नहीं पाएगी, अभी तो फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ। तो वो कर दिया, और जो स्प्रिंग इसमें से निकलता है वो स्प्रिंग को उन्होंने, जो कंपनी से स्प्रिंग आता है उस स्प्रिंग को इन्होंने और फैला दिया, उसमें चोट लगा करके बीच में कुछ रख रख के और उसे फैला दिया। इन्हें ये लगा कि शोकर दब गए होंगे तो स्प्रिंग से और उसे हार्ड बना दिया। तो हार्ड से एक्चुअल में होता क्या है कि अब वो जब से शोकर मैंने करा लिए तो लीक तो शोकर नहीं हुआ है, लेकिन शोकर में वो बात ही नहीं रही है जो कंपनी से शोकर आती है। इतना हार्ड शोकर हो गए हैं कि अब ऐसा लगता है कि हैंडल पे मुझे महसूस होता है कि शोकर जैसे दब ही नहीं रहे, इतने हार्ड चलते हैं। तो अब फिलहाल तो मैं इसको चला रहा हूँ, लेकिन ये मतलब एक अच्छा खासा उन्होंने जो है मेरा कोई फ़ायदा मुझे लगा नहीं कि शोकर को फिल कराने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि वो मज़ा नहीं आ रहा ना, आपके पैसे तो कम खर्च हुए
नए से, अगर नया आप लगाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन उसको फिल कराने में जो अपनी इन्होंने अलग से अपनी इसमें जो वो दिखाई एक्सपर्ट के, हम एक्सपर्ट इसमें हमने स्प्रिंग को फैला दिया तो उसे हार्ड बना दिया, और तो ये सब कभी भी आप अगर शोकर फिल करा रहे हैं तो पहली चीज तो उससे ये कहें कि ये कुछ मत करो आप। अगर आपने शोकर जैसे लॉक हुआ है, मतलब शोकर जो है लीक हुआ है, और आप लगातार उसको ऐसे ही चलाते रहे काफ़ी दिनों तक, तो शोकर बैठ जाती है, फिर आपको स्प्रिंग को वो करवाना पड़ता है। लेकिन अगर जैसे ही आपका अभी अभी लीक हुआ है तो शोकर स्प्रिंग वो दबता नहीं है, और मेरा तो एक ही हुआ था तो एक शोकर तो मेरा सही था, तो स्प्रिंग मतलब मेरा ठीक था, लेकिन वो ज़बरदस्ती स्प्रिंग को बड़ा कर दिया, और बड़ा करने की वजह से वो स्प्रिंग इतना हार्ड हो गए कि शोकर अब दबके नहीं दे रहे हैं, दब ही नहीं रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई बिना शोकर की चीज़ चला रहा हूँ, बिल्कुल भी सस्पेंशन में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो और बाकी वो मेरी रोड ख़राब करने की कोशिश, तो ये दो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसमें होता क्या है कि ये एक तरीके का फ्रॉड है, वो मेरी रोड को ख़राब करके और दूसरी रोड के लिए बोल देते कि अब नई रोड ले आओ, फिर वो उस रोड को किसी और दूसरी जगह यूज़ कर लेते, या कुछ भी हो सकता है, मतलब जो रोड है उनके पास भी होगी रोड तो कह देते कि मेरी ये रोड लगवा दो, ये वाली रोड हमारे पास भी है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ ना कराएं। और अगर आप मतलब अगर फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे वैसे की, तो फिर आप मतलब और शोकर न्यू ही डलवा दें, फिल कराने में वो मज़ा नहीं आता है जो न्यू शोकर के अंदर होता है, जो आप कंपनी से लेकर के आते हो वो मज़ा फिल कराने में नहीं आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, और अगर आप फिल करा भी रहे हैं, मान लीजिए चलिए नहीं ख़रीद रहे हैं आप नया, महंगा होता है, तो फिर आप ध्यान रखें कि एक तो आपकी रोड पर वो स्क्रैच ना लगाए बिल्कुल भी, जहाँ सील चलती है रोड का आप ध्यान रखें, और दूसरी चीज़ स्प्रिंग वगैरह को जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अगर आपने वो कर दिया है तो स्प्रिंग करवा लें, लेकिन अगर आपके शोकर अभी बिल्कुल ज़्यादा दिन ख़राब हुए नहीं हुए हैं, लीक हुए हुए, तो आप स्प्रिंग को भी ना छिड़वाएं, जैसे था बस ऐसे ही उसमें सीली डलवा करके ऑयलिंग वगैरह करा दें, जो ऑयल डलता है, एक तो ऑयल भी ये लोग लोकल डाल देते हैं तो वो बात नहीं आ पाती है, ऑयल ही तो जो शॉक होता है झटका जब लगता है शोकर पर तो ऑयल ही तो उसको रोकता है, तो ये ऑयल भी अलग अलग ग्रेड का डाल देती हैं, ग्रेड जो होती है ऑयल की वो अलग अलग होती है, तो ग्रेड से भी डिपेंड करता है, जितना भारी ऑयल होगा या हल्का ऑयल होगा उससे शॉक को एब्जॉर्ब करता है शोकर। तो ये चीज़ थोड़ी मेरी एक बैड एक्सपीरियंस था मेरा इस चीज़ के साथ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और मैंने जो इसमें बताया आपको, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो